नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर भरतपुर से। भरतपुर में राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए सरकार के द्वारा लाई गई RGHS योजना में धांधली कर रहे एक मेडिकल की दुकान पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त परियोजना निर्देशक सुरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में कार्यवाही की। जयपुर से आई टीम ने मेडिकल स्टोर से गड़बड़ी की आशंका वाले मेडिकल पर्ची सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर से आई टीम ने संयुक्त परियोजना निर्देशक सुरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में अभिषेक सिंह तिलक, संयुक्त परियोजना निर्देशक तहसीलदार सुभाष गुप्ता, मथुरा गेट थाना के उप निरीक्षक राकेश कुमार के साथ कन्नी गुर्जर चौराहे स्थित पर एक मेडिकल की दुकान पर कार्यवाही कर गड़बड़ी से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किया। जांच में सामने आया कि RGHS लाभार्थी को दवाई के पर्चे पर दवाइयों के स्थान पर खाने के अन्य वस्तु दी जा रही है। सरकार के द्वारा राजकीय कर्मचारी व पेंशनर्स कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए RGHS योजना शुरू की थी, लेकिन कुछ योजना से भी अन्य तरीके से लाभ उठाने के लिए फर्जीवाड़ा सामने आया है। संयुक्त परियोजना निर्देशक सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि कन्नी गुर्जर चौराहे स्थित श्रीजी मेडिकल स्टोर का कुछ दिन पूर्व जांच की गई थी, जिसमें सामने आया था कि मेडिकल स्टोर संचालन के द्वारा RGHS पर दवाई ना लेकर अन्य वस्तु दी जा रही है, जिस पर आज टीम के द्वारा मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गई। फिलहाल मथुरा गेट थाना पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी हैं, उनके लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें सभी हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में, एम्पैनल हॉस्पिटल्स में कैशलेस इलाज दिया जा रहा है। और इसके लिए हमने प्राइवेट मेडिकल शॉप्स भी एम्पैनल की है, लेकिन यदा कदा ये देखने में आ रहा है कि कुछ मेडिकल शॉप्स वाले दवाइयों की जगह अन्य सामान दे रहे हैं। तो सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी परिवार राज्य सरकार को जो अपनी सेवा दे रहा है वो दवा के बिना नहीं रहना चाहिए। सरकार की बहुत अच्छी मंशा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग दवा मेडिकल स्टोर्स और कर्मचारी सामान दवाओं की बजाय उसकी जगह सामान ले रहे हैं, तो सरकार उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और राज्य सरकार ने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार टीम्स बनाई हैं, सतर्कता की वो अपना काम कर रही है। आज क्या कार्रवाई किया? आज हमने श्री जी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर पहले हम ये देखने में आया था कि वो कर्मचारियों को दवाओं की बजाय दूसरे सामान दे रहे थे, दवा ना देकर। थैंक यू। नाम क्या सर और क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार मीणा, संयुक्त परियोजना निदेशक हूँ RGHS। ये बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य विभाग से एक अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने तहसीलदार के साथ और एक टीम के साथ एक मेडिकल की दुकान पर छापा मारा है। वहाँ उन्होंने RGHS के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्री में दवा मिलती है, उसमें एक फर्जीवाड़ा पकड़ा है। जो दवा विक्रेता है उसके द्वारा दवाई की जगह पर घरेलू सामान उपलब्ध कराया जा रहा था, और इस बात के लिए हुआ है।